इस तारीखी मुगल रोड पर दिपजन के नज़दीक एक कदीम सराय है जिसे सुख सराय कहते हैं। आज हम आपको सुख सराय ले चलते हैं। तो इस जगह से पहले मैं आपको दिखाता हूँ, इस जगह से सुख सराय के लिए जाते हैं जो हार्डली आपके 15 मिनट, यहाँ से ट्रैक करके आपको 15 मिनट में आप सुख सराय पहुँच जाएंगे। मैं जल्दी से आपको ये वॉच टावर भी दिखा कर आता हूँ। हीरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो मुगल रोड पर सुख सराय के करीब वाका है, पीर पंजाल के पहाड़ों में कुदरती हुस्न और हयातियाती तनु से मालामाल है। 1987 में कायम की गई इस सेंचुरी का रुकबा 341 मुरब्बा किलोमीटर है और यह नायाब और मादूम जानवरों के तहफ्फुज के लिए मखसूस है। मुगल बादशाह पंजाब, दिल्ली और राजस्थान की गर्मियों से बचने के लिए कश्मीर की ठंडी वादियों में कयाम करते थे। वहीं उन शाही मुहिमात के दौरान हजारों सिपाही, उमरा, मुलाजिम और ताजर मुगल रोड के जरिए सफर करते थे। सुख सराय जैसी सराय खास तौर पर इन शाही काफिलों के लिए बनाई गई थी ताकि वो रात को आराम कर सकें। सुख सराय जैसे कि मुगल शहनशाहों के दौर में बनी कई सरायें सल्तनत के वसी इलाकों को कायम रखने के लिए बहुत अहमियत रखती थी। अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। शोपियान का नाम सुनते ही आपके जहन में या तो शोपियान के सेब आते होंगे या शोपियान के हालात, लेकिन शोपियान मुगल सल्तनत का एक बहुत बड़ा हिस्सा रह चुका है। यह मेरे पीछे मुगल रोड है, मैं आपको इस तरह भी दिखाऊँ। पीर पंजाल पहाड़ी सिलसिले के बीच एक ऐसा रास्ता जो तारीख और कुदरत के बीच एक पुल है, यह है मुगल रोड। ये तारीखी मुगल रोड कभी कश्मीर वादी को हिंदुस्तान के मैदानी इलाकों से जोड़ता था। इस तारीखी मुगल रोड पर दिपजन के नज़दीक एक कदीम सराय है जिसे सुख सराय कहते हैं। आज हम आपको सुख सराय ले चलते हैं। तो इस जगह से पहले मैं आपको दिखाता हूँ, इस जगह से सुख सराय के लिए जाते हैं जो हार्डली आपके 15 मिनट, यहाँ से ट्रैक करके आपको 15 मिनट में आप सुख सराय पहुँच जाएंगे। यह है वो जगह जहाँ से आप सुख सराय जा सकते हैं। दिस प्लेस, ये आपको एक साइनेज दे रखा है शोपियान दिपजन पीर के लिए डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से। ये सराय महज सादा सराय नहीं थी बल्कि पेचीदा इमारतें थी जिनमें अक्सर सहन, अस्तबल और मुसाफिरों के लिए कमरे होते थे। अपनी शानो शौकत के अरूज पर यह सराय मुगलों की तिजारत और बुनियादी ढांचे की तरक्की की अलामत थी। सुख सराय शायद दीगर के मुकाबले में छोटी हो, लेकिन ये पीर पंजाल के पहाड़ी सिलसिले को अबूर करने वाले मुसाफिरों के लिए एक अहम पड़ाव था। हम सिर्फ 7 मिनट में नीचे सुख सराय पर पहुंच गए और यह मेरे सामने रही सुख सराय। यह मुसाफिरों, ताजरों, सिपाहियों और शाही काफिलों को पनागा का काम देती थी, जहां वो अपनी थकन मिटाते और रास्ते की मुश्किलात से महफूज रहते। सुख सराय यानी दूसरे लफ्जों में सुकून की सराय पीर पंजाल पहाड़ों के खतरनाक रास्तों को अबूर करने वाले मुसाफिरों के लिए एक अहम पड़ाव था। अगरचे कुछ मौरखीन ने सुख सराय को सराय सोख्ता लिखा है, लेकिन ये गलत है। अगर चाहे सुख सराय की हालत सादा सी है, लेकिन 16वीं और 17वीं सदी के दौरान ये ढांचा मुगल सल्तनत के बुनियादी ढांचे का एक अहम हिस्सा था। दिपजन के करीब इसकी मौजूदगी ने इस मुगल रोड पर सफर करने वालों के लिए एक लाजमी आराम का बना दिया था। ये सड़क पहली बार शहनशाह अकबर के दौर में 16वीं सदी के आखिर में कुशादा की गई थी, जो कश्मीर पर मुगलों के कब्जे को मुस्तहकम करने और शुमाल में सल्तनत के असर रसूख को बढ़ाने के लिए एक फौजी एतबार से अहम था। मुगल रोड लाहौर से श्रीनगर तक फैली हुई थी और ये 250 किलोमीटर से ज्यादा का सफर था, जिसमें घने जंगलात, सरसब्ज वादियां और ऊंची पहाड़ी गुजरगाहें शामिल थीं। ये तिजारत, सकाफत और सियाहत के लिए सल्तनत की अहम शाहरा थी। सुख सराय जो 17वीं सदी के अवाइल में शहनशाह जहांगीर के दौर में तामीर की गई। शहनशाह जहांगीर का कश्मीर से गहरा ताल्लुक था। सुख सराय नाला रूपड़ी और मरग नालों के संगम पर बनी है। इन दो नालों के मिलन से रिम्यारा वजूद में आता है। इन्हीं दो नालों के बीच में टीले पर दो हिफाजती चौकियां बनाई गई हैं, जिनको बाज मोरखीन ने कामिल कोट गलती से लिखा है। ये बुर्ज है जो सुख सराय की हिफाजत के लिए बनाया गया था, जबकि कामिल कोट बुर्ज से तकरीबन 1 मील आगे है और इस मुकाम पर मोरखीन ने करम व्रत लिखा है। कहा जाता है कि सराय के आसपास एक वॉच टावर बना हुआ है जो इससे भी काफी तवारीखी है, जो इससे भी काफी पुराना है, जिसकी हिस्ट्री इतिहास में बहुत पुरानी किताबों में लिखी गई है। तो हम देखते हैं, शायद इस तरफ है, शायद इन जंगलात के बीच में किसी जगह होगा, तो हम देखते हैं, कोशिश करते हैं कि वो भी मिल जाए। मैं जल्दी से आपको ये वॉच टावर भी दिखा कर आता हूँ। ये सामने ये ढलान उबूर करके मेरे ख्याल से 10 मिनट में ऊपर पहुँच जाऊँगा। ये उबूर करके हम आज एक और तारीखी चीज़, कदीम तारीखी चीज़ आपको खुद भी देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे।
सुख सराय सिर्फ एक भोली बसरी मंजिल नहीं बल्कि माजी का एक दरीचा है जो हमें एक ऐसे वक्त की झलक पेश करता है जब मुगल बादशाह इस सरजमीन पर हुकूमत करते थे और मुगल रोड सल्तनत का एक अहम रास्ता था। इस मकाम को महफूज रखना न सिर्फ इसकी तारीखी अहमियत के लिए जरूरी है बल्कि इसलिए भी कि यह हमें उन कहानियों से जोड़ता है जो यहां से पहले गुजरे। अगर आपको यह वीडियो दिलचस्प और मालूमाती लगे तो बराए करम इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप मुस्तकबिल में मेरा मवाद-ए-इल्म मिस न करें। बहुत शुक्रिया।